हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू डिज़ाइन का तोरण लेकर आई हूं, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम चैन बनाएंगे 20। ये टोटल 20 चैन है फ्रेंड्स। 1, 2, 3 चौथे चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह चैन को लेकर 18 डबल क्रोशिया बनेगी टोटल। पलटेंगे, 3 चैन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चैन को लेकर 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी। एक चैन लेंगे, फिर 1, 2 तीसरे घर में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हुई 4। 2 चैन लेंगे, फिर 1, 2, 3, 4 चौथे घर में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3 और 4 फिर 1 चैन, 1, 2 तीसरे में डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, पलटेंगे, फिर 3 चैन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 चैन, 4 डबल क्रोशिया में हम बीच में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जितनी लंबी तोरण पट्टी की ज़रूरत है आप उतनी बनाएं। ये देखिए, अब ऊन का कलर चेंज करेंगे, इसमें हम मोतियाँ डाल लेंगे। सिंगल क्रोशिया लेंगे एक किनारे से, 2 चैन, 1 मोती लाएंगे और उसे अंदर डालेंगे इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे, पहले नहीं दूसरे चैन में हम लंबा खींच के टोटल हम 5 लूप लेंगे। ये 5 इसे क्लोज करेंगे। सिंगल क्रोशिया देंगे, दो चैन लेंगे, फिर एक मोती डालेंगे। ये देखिए, 2 चैन, फिर से लंबा खींचकर पहले चैन में नहीं दूसरे चैन में हम फिर से 5 लूप लेंगे। क्लोज करेंगे, फिर इसके बराबर में जाकर हम सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर से 2 चैन, 1 मोती डालेंगे। सिंगल क्रोशिया देंगे इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी पूरी तोरण पट्टी के 3 ओर बनाएंगे। यहाँ तक ये देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट राउंड हम इधर से बुनेंगे।
यहाँ पर हम 7 लूप लेकर पफ बनाएंगे। दो, तीन, चार, पांच, छः और ये 7। क्लोज करेंगे इसे। 2 चैन लेंगे, पहले नहीं दूसरे चैन में फिर से 7 लूप लेंगे। साथ क्लोज करेंगे। ये देखिए 1, 2 तीसरे डबल क्रोशिया में हम इसे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए फिर 2 चैन लेंगे, लंबा खींचेंगे धागे को, दूसरे चैन में 7 लूप लेकर पफ बनाएंगे। ये देखिए फिर एक और पफ बनाएंगे, 2 चैन लेंगे, दूसरे चैन में 7 लूप लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स फिर 1, 2 तीसरे डबल क्रोशिया में हम अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड हम आगे भी बुनेंगे, पूरे तोरण पट्टी में नीचे साइड में बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे धागे को कट करेंगे, नेक्स्ट राउंड हम इधर से बुनेंगे। चैन लेंगे, पहले नहीं दूसरे चैन में 7 लूप लेंगे और पफ तैयार करेंगे। फिर से वही प्रोसेस, 7 लूप बनाएंगे। नेक्स्ट बारी में इसे अटैच करेंगे बीच में। ये देखिए 1 चैन लेंगे, फिर से यहाँ बीच में हम पॉप बनाएंगे, 7 लूप लेंगे, 2 चैन, पहले नहीं दूसरे चैन में हम पॉप बनाएंगे 7 लूप लेकर। ये देखिए फिर से नेक्स्ट वाली में इसे अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ भी बनाएंगे, नेक्स्ट में भी बनाएंगे और पूरे तोरण में बनाएंगे। फिर यहाँ कॉर्नर पड़े सिंगल पॉप बनाएंगे हम 7 लूप लेकर। ये देखिए पलटेंगे, 2 चैन लेंगे, पॉप तैयार करेंगे 7 लूप लेकर। एक और पॉप तैयार करेंगे, 2 चैन लेंगे, ये देखिए अब हम नेक्स्ट वाले में से अटैच करेंगे। ये हमारा तीसरा राउंड है,
ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से दो पफ बनाएंगे, इसे हम नेक्स्ट वाली में अटैच करेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पूरे में कंप्लीट करेंगे। ये एक राउंड हुई हमारी, दूसरी, ये तीसरी, और एक और राउंड बनेगी चौथी। ये देखिए फ्रेंड्स, चौथी राउंड भी हमारी बनके कंप्लीट है। यहाँ पे हम अपने ऊन को कट कर देंगे। अब हम पफ तैयार करेंगे। ऊन को हम 40 राउंड लपेटेंगे। यहाँ बीचों बीच धागा डाल के हम इसे गांठ लगाएंगे। फिर एक एक इंची की दूरी पर हम गांठ लगाते जाएंगे। गांठ टाइट करके लगाना है। ये देखिए, फिर कैंची से दो गांठों के बीच में कट लगाएंगे, बीचों बीच। इस तरह से हमारी पफ रेडी हो गई। ये जितनी छोटी बड़ी ऊन है उसे फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पफ बनकर तैयार है। बाकियों को भी हम ऐसे ही करेंगे। अब उनमें मैंने मोती डाल ली हैं। वाइट ऊन में गोल्डन कलर की मोतियां हैं और रेड ऊन में वाइट कलर की मोतियां डाली हैं। दो चैन, एक पफ बनाएंगे 5 लूप लेकर। 2, 3, 4 और ये 5। दो चैन देंगे, एक मोती डालेंगे। ये देखिए, फिर से दो चैन लेंगे, एक पफ बनाएंगे 5 लूप लेकर। पहले चैन में नहीं, दूसरे चैन में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम टोटल 4 पफ तैयार करेंगे। चारों पफ हमारी तैयार हो गई। एक एक्स्ट्रा चैन लेंगे और एक पफ को हम इसमें अटैच करेंगे, बीच में जो हमने गांठ लगाया था उस ऊन के साथ। ये देखिए, गांठ लगा के हम धागे को कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक लड़ी हमारी तैयार हो गई। अब नेक्स्ट वाली इसमें बनाएंगे। ये देखिए, 2 सफ़ेद 1 रेड फिर 2 सफ़ेद 1 रेड, इस तरह से मैंने झालर को तैयार किया है। अब हम इनमें मोतियाँ लगाएंगे और डेकोरेट करेंगे इन्हें फूल के बीचों बीच। सुई को नेक्स्ट वाली फूल में पास करेंगे। ये देखिए, एक एक करके सभी में हम मोती लगाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम सभी में मोती लगाएंगे लास्ट तक। फ्रेंड्स, हमारी तोरण बिल्कुल रेडी हो चुकी है। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, आप देखिए। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।